तो एक कण की कुल ऊर्जा और रेखीय संवेग, इससे संबंधित बातें हम लोगों ने किया। कुल ऊर्जा E लिखते हैं एम नॉट सी स्क्वायर बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वर्गमूल, ऐसा। इसी को एम सी स्क्वायर भी लिखते हैं, रिलेटिविस्टिक मास एम नॉट डिवाइडेड बाई इतना इंटू सी स्क्वायर। और रेखीय संवेग इसको P लिखते हैं और ये एम नॉट वी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब अगर आप एक राशि की गणना करें, ई स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी गणना करें, किसी कण की कुल ऊर्जा का वर्ग, उसका रेखीय संवेग उसका वर्ग, और फिर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उसका वर्ग, इस कि आप गणना करें और देखें क्या मिलता है। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं E का स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर, तो एम नॉट स्क्वायर सी फोर बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये है कैपिटल E, ये का स्क्वायर, ये इतना, और माइनस P का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो एम नॉट वी एम नॉट स्क्वायर वी का स्क्वायर बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इतना, और इस पूरे को सी स्क्वायर से और गुना करना है यहाँ पर, ऐसा। तो इसको अगर हम इसका लघुतम ले लें, इसके जो दोनों हर हैं वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये यहाँ पे, और यहाँ आता है एम नॉट स्क्वायर सी फोर और माइनस एम नॉट स्क्वायर और फिर वी का स्क्वायर और फिर इस सी का स्क्वायर, और इसमें से आप एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लें, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको अगर हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ आता है वन, और माइनस यहाँ आता है एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर को निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा सी का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा वी का स्क्वायर, और ये जो नीचे है इसको आप इसका भी यहाँ पर लघुतम लेकर के लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये है सी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर और इस पूरे का बटा सी का स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर को आप यहाँ ऊपर ला सकते हैं, और ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और तब ये पूरा का पूरा बच जाएगा, ये इसके साथ कट करके और ये ऊपर आकर के एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो कुल ऊर्जा का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस रेखीय संवेग का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर करें किसी कण के लिए तो वो इतना आता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या पहले ऐसे लिखें ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी फोर। ये समीकरण अपने आप में बहुत उपयोगी है, बहुत तरह के प्रश्न जब हम हल करते हैं एनर्जी मोमेंटम से संबंधित, तो ये समीकरण अपने आप में बहुत काम आता है, और ये जो क्वांटिटी है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं कि उस कण के सिर्फ रेस्ट मास पर, सिर्फ विराम द्रव्यमान पर निर्भर है, तो वो पार्टिकल कितनी स्पीड से चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, किस फ्रेम से देखा जा रहा है, इन सभी बातों से ये अलग है, ये उस कण के लिए कॉन्स्टेंट है एम नॉट स्क्वायर सी फोर। आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ऐसा लिख सकते हैं ई बराबर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ऐसा लिख सकते हैं।
और बहुत बार जब ये तय करने की बात हो कि हम यहाँ पे अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स, नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से काम चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ये इक्वेशन काम आता है, ये इक्वेशन काम आता है। और यहाँ हम एक टर्म है इसका P इंटू सी, दूसरा टर्म है इसका एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी है यहाँ पे, पी सी है यहाँ पे। तो अगर इतनी स्पीड हो कि ये जो पी सी है वो एम नॉट सी स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपरेबल हो जाए, तो हमें रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर इस रेस्ट मास एनर्जी की तुलना में ये पी इंटू सी ये काफ़ी कम हो तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से काम चला सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम जानते हैं एम नॉट सी स्क्वायर 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, प्रोटॉन के लिए कुछ 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो रेस्ट मास एनर्जी हमें पता है, तो जो लीनियर मोमेंटम है उसका, तो उससे अगर आप पी इंटू सी कैलकुलेट कर लें, इलेक्ट्रॉन का पी इंटू सी कैलकुलेट कर लें, अगर वो 511 केईवी से बहुत कम है, ये आप तुलना कर लें इलेक्ट्रॉन का, जैसे 511 केईवी है तो जो भी उसकी स्पीड है उसके अनुसार अगर आपने पी इंटू सी निकाल लिया और इससे तुलना किया 511 केईवी से अगर वो काफ़ी कम है, तो फिर आप नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर वगैरह, जो कुछ भी न्यूटन के नियम से आप पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर नहीं है, अगर P इंटू सी 511 केईवी के कंपेरेबल हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपको इसमें आना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोटोन की बात कर रहे हैं तो ये 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे तुलना करेंगे P इंटू सी की, तो ये इक्वेशन इस मामले में भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। आपको याद होगा हम लोगों ने पहले कहा था कि अगर कोई कण है और उसके पोजीशन को हम एक्स वाई जेड पोजीशन है, और कोई इवेंट हम लेते हैं जो कि टी समय पे हो रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, किसी इवेंट के लिए कोई इवेंट है जो कि एक्स वाई जेड स्थान पर हो रहा है और टी समय पे हो रहा है कोई इवेंट, और तब लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम किसी दूसरे फ्रेम में जाकर पता कर सकते हैं कि इवेंट कहाँ पर हुआ और किस समय पे हुआ, और उसके लिए भी हम दूसरे फ्रेम के लिए भी लिख सकते हैं एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। और ये बराबर होते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन से, आप एक्स प्राइम लिखें, आप वाई प्राइम लिखें, जेड प्राइम लिखें, टी प्राइम लिखें, लेकिन ये क्वांटिटी जो है ये बराबर रहेगी, तो हम लोग उसको लॉरेंट्स इनवेरिएंट कहते हैं। इसी तरह अगर दो इवेंट्स हैं और उसके बीच का आप इंटरवल निकालते हैं, दो इवेंट्स अगर हैं, एक इवेंट है जो कि एक्स वन वाई वन जेड वन पर हो रहा है और टी वन समय पे हो रहा है, और दूसरा इवेंट है जो कि एक्स टू वाई टू जेड टू इस स्थान पर हो रहा है और टी टू समय पे हो रहा है, और एक फ्रेम से हम अगर ये चीज़ें हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। और यही इवेंट अगर हम, यही दोनों इवेंट अगर हम किसी दूसरे फ्रेम से देखते हैं और उसमें उन इवेंट्स की जो जगह है वो इस तरह से प्राइम लग करके आएगी, टाइम यहाँ प्राइम लग करके आएगा दोनों इवेंट्स में, और उससे हम इसकी क्या, इसकी इस राशि को लिखें एक्स टू प्राइम माइनस एक्स वन प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई टू प्राइम माइनस वाई टू प्राइम का वाई वन प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड टू प्राइम माइनस जेड वन प्राइम का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी टू प्राइम और माइनस टी वन प्राइम
इसका स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं लॉरेंज इनवेरिएंट। जो फ्रेम बदलने से नहीं बदलती, एक्स कोऑर्डिनेट फ्रेम बदलने से बदल जाता है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, जेड कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, टाइम टी बदल जाता है, लेकिन ये क्वांटिटी लॉरेंज इनवेरिएंट है, किसी भी फ्रेम में जाकर के आप कैलकुलेशंस करें तो उतनी ही आती है। इसी तरीके से ये जो क्वांटिटी है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी लॉरेंज इनवेरिएंट है, ये भी लॉरेंज इनवेरिएंट है। आप किसी भी फ्रेम में जाके कैलकुलेशंस करेंगे तो उतना ही आएगा। एक कण की अगर बात कर रहे हैं तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा एम नॉट स्क्वायर सी फोर आएगा, ये उसका विराम द्रव्यमान है। पार्टिकल का विराम द्रव्यमान तो निश्चित रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान निश्चित है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान निश्चित है, जो उसका आपेक्षिक द्रव्यमान है रिलेटिविस्टिक मास है वो स्पीड के साथ बदलता है, लेकिन विराम द्रव्यमान एम नॉट तो फिक्स ही रहता है। तो इसलिए एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये तो किसी भी फ्रेम में जाकर उस कण का कुल ऊर्जा लिखें, आप उसका कुल रेखीय संवेग लिखें, ये कैलकुलेट करें तो इतना ही आना है, तो ये लॉरेंज इनवेरिएंट है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाए, अगर एक कण नहीं हो करके और कणों का समूह हो और उसकी कुल ऊर्जा आप कैपिटल ई लिखें, और इसी तरीके से उस पूरे संकाय का जो कुल रेखीय संवेग है उसको आप पी लिखें, यानी अब हम एक कण की बात नहीं कर रहे, अब हम कणों के समूह की बात कर रहे हैं, कणों के समूह की कुल ऊर्जा, ये अगर कैपिटल ई है और कणों के समूह की का रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग ये अगर पी है, जितने कण हैं सबके रेखीय संवेगों को आपस में जोड़ दें उनका वेक्टर कैरेक्टर ध्यान में रखते हुए और कुल संवेग लिखें पूरे निकाय का पूरे समूह का, वो पी है, और उससे आप इसकी गणना करें ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की, तो वो एम नॉट स्क्वायर सी फोर नहीं आने वाला है क्योंकि एक कण नहीं है, वो भी लॉरेंज इनवेरिएंट है। अगर आप फ्रेम चेंज करेंगे और दूसरे फ्रेम में से देखेंगे तो हर पार्टिकल का जो रेखीय संवेग है वो कुछ और मिल सकता है, हर पार्टिकल की कुल ऊर्जा कुछ और मिल सकती है, और उस कुल ऊर्जा को लेकर के और कुल रेखीय संवेग को लेकर के आप ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो वो भी लॉरेंज इनवेरिएंट है, उसका भी मान नहीं बदलेगा, उतना ही आएगा। ये बड़े मज़े की बात है, और इसीलिए ये जो राशि है ये बहुत महत्वपूर्ण राशि बनती है। तो एक हम उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये समूह के लिए ये लॉरेंज इनवेरिएंट है। तो हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, दो कणों की हम बात करेंगे, दो कणों के समूह की बात करेंगे। एक कण मान लें उसका विराम द्रव्यमान कैपिटल एम नॉट है, दूसरे का विराम द्रव्यमान स्मॉल एम नॉट है, और एक रेस्ट में है और दूसरा चल रहा है। तो ये रेस्ट में ले लें, इसको रेस्ट में ले लें, और इस दूसरे वाले को वी वेग से इस ओर चला दें। बाद में टक्कर करेगा, टक्कर के बाद कुछ होगा, लेकिन हम टक्कर के पहले ही की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। तो अब इस फ्रेम से जहाँ से हमने ये सारा चित्र बनाया है उस फ्रेम से अगर हम देखें तो इस फ्रेम से, इसको एस फ्रेम कह सकते हैं हम, आप कुल ऊर्जा लिखें किसकी, समूह की,
दोनों कणों का मिला करके जो समूह है उसकी कुल ऊर्जा लिखें, तो क्या लिखेंगे? ई पहले की कुल ऊर्जा, तो एम नॉट विराम द्रव्यमान है और वी उसका वेग है, तो जो कैपिटल ई कुल ऊर्जा इस पार्टिकल के इस कण की लिखेंगे हम, वो होगा एम नॉट सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इसकी कुल ऊर्जा हुई एम सी स्क्वायर, जहाँ एम रिलेटिविस्टिक मास है और ये रिलेटिविस्टिक मास है। और इसकी जो ऊर्जा है दूसरे पार्टिकल की, वो है एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी नहीं है, तो जो वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और जो कुल ऊर्जा है और जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है वो एक ही है, इसलिए ये एम नॉट सी स्क्वायर। वी बराबर जीरो है, यहाँ आप रख भी सकते हैं, वी बराबर जीरो रख देंगे तो केवल रेस्ट मास ही एनर्जी निकल करके आएगी। और कुल रेखीय संवेग लिखें, कुल रेखीय संवेग ये है, कुल रेखीय संवेग ये भी हम समूह का ही लिखने वाले, ये भी हम दोनों कणों का जो समूह है उसी का लिखने वाले हैं, तो इसका जो रेखीय संवेग है वो है एम नॉट वी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और प्लस जीरो, क्योंकि दूसरा कण तो विराम अवस्था में है और इसलिए उसका रेखीय संवेग जीरो है, तो समूह का जो रेखीय संवेग है वो भी पहले कण के रेखीय संवेग के ही बराबर है। अब कैलकुलेशन करें, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ई का स्क्वायर करें, इस पूरे का स्क्वायर करें, एम नॉट सी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम नॉट सी स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करें तो ये बना कैपिटल ई का स्क्वायर, इस कैपिटल ई का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, अर्थात एम नॉट स्क्वायर वी का स्क्वायर और वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पी का स्क्वायर हो और उसको सी स्क्वायर से और गुणा कर दें तो ये इतना। तो अब इसको थोड़ा सरल करें, तो इस भाग को खोलें ए प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र से, तो इसका स्क्वायर अर्थात एम नॉट स्क्वायर सी फोर और बटा वन माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ये इतना, प्लस इसका स्क्वायर अर्थात प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी फोर, और फिर क्रॉस टर्म टू इंटू प्लस टू इंटू ये टर्म गुना कर दें, एम नॉट कैपिटल एम नॉट स्मॉल एम नॉट, फिर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सी टू दी पावर फोर और बटा ये स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पहले पार्ट इतना पार्ट हुआ, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ये गुना ये एम नॉट इंटू एम नॉट सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और ये माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स का देखें आप, इसका और इसका देखें, इसका और इसका डिनोमिनेटर एक ही है, इसका इसका हर एक ही है, और इसलिए उन दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो ये होगा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, नीचे यहाँ पर ये है कैपिटल एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर और माइनस वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। उसके बाद जो बच गया उसको यहाँ लिख लेते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस टू एम नॉट सी फोर और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर,
ऐसा m not square. यहां से आप उसी प्रकार से कॉमन अगर निकाल लें, m not square c square को आप कॉमन निकाल लें, तो क्या बचा यहाँ पे, c square यहाँ पे और माइनस v square यहाँ पे, और इसको फिर से आप उसी तरह c square माइनस v square बड़ा c square ऐसा लिख लें, और इसके साथ इसको आप काट सकेंगे, लेकिन पहले इसको पूरा कर लें, m not square c4 और प्लस 2 m not स्मॉल m not c4 बटा 1 माइनस v square by c square, अर्थात ये हुआ कैपिटल एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस एम स्मॉल एम नॉट स्क्वायर सी फोर और प्लस टू टाइम्स एम नॉट स्मॉल एम नॉट सी फोर और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना बना। ये मामला है एस फ्रेम से, एस फ्रेम से हमने ये सब कुछ लिखा है। अब हम इसको दूसरे फ्रेम में जा करके कैलकुलेट करते हैं, और कौन से फ्रेम में जाके कैलकुलेट करते हैं, तो जिसमें ये कैपिटल एम नॉट स्थिर है उस वाले फ्रेम में जाके कैलकुलेट करते हैं। हम फ्रेम चेंज करते हैं, हमारा नया फ्रेम इस पुराने फ्रेम की अपेक्षा वी वेलोसिटी से दाहिनी तरफ चलेगा, उस फ्रेम में ये एम नॉट स्थिर हो जाएगा और ये स्मॉल एम नॉट उस फ्रेम में बाईं तरफ वी वेलोसिटी से चलेगा, तो उसके हिसाब से हम नया चित्र बनाएंगे और फिर से यही कैलकुलेशंस करेंगे। तो इस नए फ्रेम में हमारे चित्र की दशा भी बदल जाएगी, अब इस फ्रेम में ये विराम अवस्था में आ जाएगा, अर्थात ये एरो हम यहाँ से हटा दें और वी बराबर ज़ीरो लिख दें, और ये जो v है बराबर ज़ीरो लिखा हुआ इसको भी मिटा दें और एरो इधर लगा दें, ये हमारा s प्राइम फ्रेम है। s प्राइम फ्रेम से जब हम देखेंगे तो ये रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, फिर ऐसा ही कैलकुलेशंस करें, कुल ऊर्जा लिखें, e लिखें। इस बार ये रेस्ट में है, ये विराम में है, इसकी कुल ऊर्जा कैपिटल एम नॉट सी स्क्वायर होगी, और इसकी कुल ऊर्जा, ये वी वेग से चल रहा है इसलिए इसकी कुल ऊर्जा जो आप लिखेंगे ये एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। विराम द्रव्यमान, इससे भाग लगा दिया तो अपेक्षित द्रव्यमान, और सी स्क्वायर से गुणा कर दिया तो कुल ऊर्जा, ये समूह की ऊर्जा हो गई। और इसी तरह से आप समूह का जब रेखीय संवेग लिखेंगे जब आप पी लिखेंगे तो इस बार इसका रेखीय संवेग जीरो होगा और इसका रेखीय संवेग एम नॉट वी और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा आएगा। हम सिर्फ उसका परिमाण लिख रहे हैं क्योंकि हमें तो स्क्वायर करना है, तो अगर आप ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर के फिर से गणना करें इसी प्रकार से, तो ये बनेगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम नॉट सी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें और सी स्क्वायर से गुणा करें, सो एम नॉट का स्क्वायर करें वी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा। फिर से इसको आप ओपन कर दें तो क्या बनेगा, पहले का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू पे पावर फोर प्लस दूसरे का स्क्वायर स्मॉल एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर फोर और बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और फिर टू इंटू इसका गुणा करें कैपिटल एम नॉट इंटू स्मॉल एम नॉट
इंटू वी इंटू सी पर पावर 4 और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसमें से घटाना है ये एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसा। और अब आप इन दोनों को देखें, इसको और इसको देखें, इनके हर समान हैं और इसलिए हम इनको अलग से इनकी गणना करेंगे। एम नॉट स्क्वायर सी फोर इसको लिख डालें प्लस 2 एम नॉट स्मॉल एम नॉट सी फोर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इनका हर बराबर होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और अंश में देखें एम नॉट स्क्वायर सी फोर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो आप स्मॉल एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर इसको कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस वी स्क्वायर, और फिर से आप इस नीचे वाले को आप यहाँ सी स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर करेंगे, इसको आप कैंसिल करेंगे, सी स्क्वायर ऊपर आएगा, एम नॉट स्क्वायर सी फोर बचेगा। तो देखें इसको, जब आप इसको हल करेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको काट डालेंगे, सी स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे, ये सी पर पावर 4 हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर। तो फिर से लिखिए कैपिटल एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये इसको लिखा जा रहा है कैपिटल एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये लिख लिया हमने, इसको लिख ले पहले प्लस स्मॉल एम नॉट स्क्वायर सी फोर, और अब इसको लिख लें, इसको लिख लें जो छोड़ दिया हमने प्लस 2 एम नॉट सी फोर बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एस प्राइम फ्रेम से है और ये एस फ्रेम से है, और आप देख रहे हैं वही व्यंजक हमने दोबारा लिख दिया जो एस फ्रेम से आया था एक्सप्रेशन, ये जो व्यंजक आया था ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का, वही व्यंजक एस प्राइम फ्रेम से भी आया है, और आप किसी भी दूसरे फ्रेम में चले जाएं जहां ये दोनों पार्टिकल्स चल रहे होंगे किसी गति से, किसी भी फ्रेम में आप चले जाएंगे तो इसका मान उतना ही आएगा, और इतना ही नहीं अगर आप टक्कर भी हो जाने दें और टक्कर के बाद जो हो रहा है उनकी उनकी गतियां बदल गई हैं, वहाँ भी जा करके अगर आप ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कैलकुलेट करेंगे कुल समूह की ऊर्जा और समूह का देखिए संवेग, तो ये उतना ही मिलने वाला है। इस कारण से ये जो क्वांटिटी है ये आपेक्षिकता के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण राशि है।